अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल ज़मीर, ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम की जानिब से। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे नो फॉलो लिंक और डू फॉलो लिंक क्या होते हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। SEO में जब आप कदम रखते हैं, तो SEO जब आप सीखना चाहते हैं या SEO सीख रहे होते हैं, तो इन टर्म्स से भी आपका वास्ता हो सकता है। बल्कि होता है कि नो फॉलो क्या होता है और डू फॉलो लिंक क्या होते हैं। तो अगर आप नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि इसी ही नाम के साथ है, ऑनलाइन सीखना। और ये ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम मेरी वेबसाइट है, ब्लॉग है, इसको भी आप विज़िट करें, इससे भी आप लर्न कर सकते हैं। आज हम बात करें कि नो फॉलो क्या होता है, डू फॉलो क्या होता है। बेसिकली ये लिंक होते हैं, लिंक जो बनाए जाते हैं वो HTML का एक टैग है, a-href और इस तरह यहाँ पर कोई टैक्स होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पर चले जाते हैं। इधर आपने उस पेज का एड्रेस देना होता है, URL देना होता है, ठीक है। और इस तरह लिंक बनता है। अब इन लिंक की दो अकसाम होते हैं, एक तो ये होता है कि ये नो फॉलो होता है, दूसरा होता है ये डू फॉलो होता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये जो लिंक मैंने बनाया है आपके सामने अभी, ये नो फॉलो है या डू फॉलो है? तो उसके लिए आपको REL रिलेशन देना पड़ता है, रिलेशन का एक एट्रीब्यूट है, आपने यहाँ पर देना होता है कि डू फॉलो लिखना होता है, ठीक है। तो ये जो लिंक बन गया, ये डू फॉलो है। अभी आपको ये मैं नहीं बता रहा कि इसमें डिफरेंस क्या है, अभी ये बता रहा हूँ कि डू फॉलो कैसे बनता है, नो फॉलो, ये डू फॉलो है अब लिंक। अब इसके बाद दूसरा बनाएंगे हम, वो क्या होगा फिर, वो होगा नो फॉलो, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ पर ये लिख दें नो फॉलो। अब ये पहले वाला जो लिंक बना है ये डू फॉलो है, और दूसरा वाला जो बना है वो क्या है। डिफरेंस ये है कि जैसे ही क्रॉलर जो होता है, मैंने आपको बताया था क्रॉलर क्या होता है, बूट्स क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट को रीड कर रहा होता है, सोर्स कोड को रीड कर रहा होता है, और उसको फिर रीड करने के बाद, क्रॉल करने के बाद फिर वो इंडेक्स करता है, अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। तो जैसे ही क्रॉलर आया आपकी साइट पर, ठीक है, आपकी साइट पर आया और इसी ही लिंक पर आया, इस लिंक वन है और ये लिंक है, इस लिंक पर जब आएगा तो इसको क्रॉल करेगा। लिंक वन जो एक कीवर्ड है, एक वर्ड है, इनको, इस लिंक वन को वो क्या करेगा, क्रॉल करेगा, इसको भी क्रॉल करेगा, और इसके पीछे जो पेज है, ठीक है, एक पेज है ना, वेब पेज है, कोई भी हो सकता है, वेब पेज HTML या PHP। अब ये जो पेज है ना, ये पेज का URL, इसको भी क्रॉल करेगा, इसको भी इंडेक्स करने की कोशिश करेगा, इसको भी रीड करेगा, समझे ये, ठीक है। क्रॉलर जैसे आया इस लिंक पर, जैसे ही आए इसको भी क्रॉल किया, और इसके पीछे जो लिंक है, जो पेज का URL है, उसको ही पास भी चला जाता है, उस पेज पर चला जाता है, फिर उसको भी ये क्रॉल कर लेता है, उसको भी रीड कर लेता है। लेकिन जब नो फॉलो पर आता है, इस लिंक पर आता है, लिंक टू पर आता है, तो क्रॉलर सिर्फ इसी को क्रॉल करता है, इसी वर्ड को रीड करता है, और इस पेज पर नहीं जाता। मेरे ख्याल से समझ आ गया। डू फॉलो होता है, डू फॉलो में ये होता है आपका जो पेज लिंक होता है उसको वो क्रॉल करता है, पेज लिंक होता है उसको क्रॉल नहीं करता। यही डिफरेंस है नो फॉलो डू फॉलो में। तो मेरे ख्याल समझ आ गई। अगर आपको समझ नहीं आई या कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझसे, ये इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये डिफरेंस होता है, आप ये वो होता है कि आपको डू फॉलो चाहिए या नो फॉलो चाहिए लिंक। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा, और बाकी जो ऐसे एक्सपर्ट हैं वो भी ये रिकमेंड करते हैं कि तकरीबन 70% जो है आपके डू फॉलो लिंक होने चाहिए, और 30% आपके नो फॉलो होने चाहिए। नो फॉलो सारे भी नहीं होने चाहिए, डू फॉलो भी सारे नहीं होने चाहिए। आपकी वेबसाइट के कुछ डू फॉलो लिंक होने चाहिए और कुछ ये होने चाहिए, डू फॉलो और नो फॉलो होने चाहिए दोनों। तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, कुछ ऐसे सोर्स हैं जिनके ज़रिए से आप डू फॉलो लिंक बनाते हैं, कुछ ऐसे ज़राए हैं जिनकी वजह से आप नो फॉलो बनाते हैं और डू फॉलो बनाते हैं। तो यही था डिफरेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि साइट मैप क्या होता है, robot.txt फाइल क्या होती हैं, इनके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स टू वॉचिंग।